गाइस, माय नेम इज तायरा, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं बहुत धमाकेदार वीडियो, तो आप लोग फ्री हो गए एकदम बैठ जाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। तो वीडियो का टाइटल है आज देखो इन मशहूर एक्टर्स के फर्स्ट टीवी एड्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज 19th अनस्क्रीन। तो यार टाइटल बड़ा लंबा है, वीडियो छोटी है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ विद दिस ओवरिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। ये शाहरुख खान किंग खान और रोहन पर आए बैठ, उनके इस रंग रूप के साथ साथ आपने उनकी पहली एड भी नहीं देखी होगी। मैंने भी नहीं देखी आज तक। पहली एड जिसके लिए उन्हें सिर्फ 3,000 रुपए मिले थे, लेकिन एक तरफ 1,000 करोड़ की पिक्चर करने वाले एक्टर हैं जिन्हें 3,000 मिले, तो दूसरी तरफ ऋतिक रोशन है जिन्होंने खुद 20 करोड़ की एड ठुकरा दी। लगाना ये सुनकर आपको भी झटका, पर आप जो फैक्ट भाई आपको दिखाने वाला है उसे देख कर आपको डबल झटका लगेगा। अनुष्का, अब ये कौन है बे? ये अनुष्का शर्मा ही है जिन्होंने स्कूल टाइम में ये एड की थी, पर अफसोस उनकी एड आपके मेरे साथ आधे से ज्यादा इंडिया नहीं देख पाया था। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या हुई? और ऐसे कौन क्या हुई जिनकी पहली एड आपने नहीं देखी है? जानने के लिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 1, शाहरुख खान। इमेजिन करो आप खाने की मेज पर इंतजार कर रहे हो और खाना ला रहे हैं साक्षात शाहरुख खान। इम्पॉसिबल अभी के लिए हाँ, पर शाहरुख के स्ट्रगलिंग डेज में ना, क्योंकि ये फैक्ट है कि तब वो दरियागंज दिल्ली में छोटा मोटा रेस्टोरेंट चलाते थे। खैर, फिर उन्होंने सीरियल से एक्टिंग करियर का डेब्यू किया और 1988 से लेकर 1992 10 सालों तक छोटे पर्दे पे कई किरदार निभाते रहे। इसी सफर में उन्हें अपनी पहली एड करने का भी मौका मिला, पर एड की पेमेंट थी मात्र 3,000 रुपए। अब इस एड से उन्हें पैसे कम। गाइस, 3,000 रुपए बहुत होते हैं उस जमाने में और इस जमाने में भी, पर एक्टर्स को एड के पैसे बहुत मिलते हैं, तो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। ना मिले हो पर नाम काफी मिला। लिबर्टी शूज उन दिनों इंडिया के बिगेस्ट ब्रांड में शुमार था। इसके बाद शाहरुख को एड्स मिलती गईं और वो फेमस होते गए। छोटे पर्दे के बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग से बड़े पर्दे के दीवानों को भी अपना फैन बना लिया। आज वो जितने अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं उतने ही एड्स के लिए भी। अगर उनके लेटेस्ट एड की बात करें तो अभी वो थम्स अप के साथ बिजी है। नंबर 2, अक्षय कुमार। पान मसाला ब्रांड की एड करने के लिए जैसे ही अक्षय कुमार ने माफी मांगी, वैसे ही तुरंत KGF एक्टर यश ने फेमल की एड को रिजेक्ट कर दिया। पर दिक्कत, अक्षय कुमार के माफीनामे की वजह से लोग फेमल एड करने वाले इन दोनों एक्टर्स से भी माफी मांगने की उम्मीद करने लगे। अजय की राय थी ये मैंने सिर्फ इलायची की एड की है, माना एड इलायची की है लेकिन ब्रांड तो सेम ही है अजय सर जी। पर अजय को साइडलाइन करके अक्षय पे फोकस करें तो ये थी हरक्यूलस साइकिल की एड। बोले तो अक्षय की पहली एड। इस एड को करने वाला खुद अक्षय ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो बॉलीवुड के सबसे ज्यादा बोले तो 36 ब्रांड्स के एड्स करने वाले ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। पर अगर फैक्ट भाई से इनका फेवरेट एंडोर्सिंग ब्रांड पूछा जाए तो फैक्ट भाई कहेगा हार्वे, क्योंकि शायद इस ब्रांड की एड करते करते उन्हें टॉयलेट से इतना लगाव हो गया कि उन्होंने टॉयलेट एक फ्रेम के साथ मूवी कर डाली। नंबर 3, अनुष्का शर्मा। चमत्कार जादू जैसा कुछ नहीं होता, पर अनुष्का शर्मा की डेब्यू स्टोरी उनके लिए चमत्कार जैसी ही थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनकी मां ने अनुष्का को यशराज फिल्म मिलने से पहले ही एक पर्ची पर ये विश लिखी थी, जो अनुष्का की कड़ी मेहनत के बलबूते सच हो गयी। पर उनके फिल्मी डेब्यू के पहले, जैसा मैंने बताया, ये उनकी पहली एड थी जो उन्होंने बचपन में की थी। हालांकि मलयालम भाषा में होने की वजह से इसे इंडिया के बहुत से पार्ट्स में रिलीज नहीं किया गया था। इसके बाद वो स्पेस वाली इस एड फिल्म में नजर आई जहां वो बैकग्राउंड में डांस कर रही थी। और भले अनुष्का के लिए एड से फिल्मों का सफर लंबा था, पर आगे चलकर एड के सफर में ही उन्हें हम सफर मिला। मेरा मतलब इसी एड से अनुष्का के प्यार की शुरुआत हुई थी। नंबर 4, शाहिद कपूर।
इश्क विश्क से पहले शाहिद कपूर को 100 ऑडिशंस में रिजेक्ट किया गया था और ये उनका खुद का स्टेटमेंट कहता है, मतलब एक स्टार किड होने का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि शायद ये सच में काफी स्ट्रगल किया है, जैसे दिल तो पागल है और ताल मूवी में बैकग्राउंड डांसर बनना और उनकी ये पहली कॉम्प्लेन की एड करना या म्यूजिक वीडियो में आना, शायद सब कर चुके हैं, जिस दौरान वो तीन बड़े स्टार्स के बीच इस एड में भी दिखाई दिए, जिसके बाद शाहिद कपूर ने बहुत ट्राई करा यार, बहुत ज्यादा ट्राई करा हर चीज में। शाहिद की फैन फॉलोइंग बढ़ती गई, अब वो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं कि आज वो कई ब्रांड्स के प्रमोशंस करते हैं, इस पॉपुलैरिटी के चलते उनकी नेटवर्थ 300 करोड़ हो चुकी है, पर फिर भी अपनी क्रिएटिविटी को बरकरार रख के शायद आज अपनी मूवीज पर ज्यादा काम करते हैं। नंबर 5, ऋतिक रोशन। क्या आप एड में क्रिएटिविटी ना होने के लिए 20 करोड़ की एड को ठुकरा सकते हो? वेल, ऋतिक रोशन ने 20 करोड़ की एड ठुकरा दी थी, और क्रिएटिविटी कितनी कमाल की चीज है। आखिर क्यों बर्गर किंग के जुगाड़ू मार्केटिंग कैंपेन से सीख सकते हो। इस पिक्चर में मुस्कुराते हुए ऋतिक बर्गर किंग के नए मेन्यू की एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं पेपराज़ी के लिए पोस्ट कर रहे थे, ये जाने बिना कि बर्गर किंग ने उनके ठीक पीछे अपना प्रमोशन बोर्ड खड़ा कर दिया है, और जब तक उन्हें पता चलता पिक्चर क्लिक हो चुकी थी और बोर्ड हट चुका था। बाद में जब ऋतिक को इस क्रिएटिव जुगाड़ का पता चला तो उन्होंने कहा दिस इज नॉट डन, पर तब तक बर्गर किंग की मार्केटिंग हो चुकी थी। ऋतिक के इस अनवांटेड एड से आगे बढ़कर अगर आप उनकी पहली एड देखो तो वो थी ये कोका कोला एड, जो लोगों के बीच इतनी फेमस हुई कि बॉयकॉट ने शाहरुख खान के साथ मिलकर एक प्लस का मजाक उड़ाकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग बढ़ाई। नंबर 6, आमिर खान। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान की पहली एड। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है, तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरा फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कोई नहीं है, क्योंकि मैं फिल्म वगैरह देखती हूँ पर मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है, और मैंने अभी एला फिल्म देखी थी तो वो अच्छी लगी मुझे, और काजोल की एक्टिंग भी मस्त लगी, पर मैं ये नहीं कि मैं उनकी फ़ैन हूँ, मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ गाइस, तो आप लोगों को ये मैंने कंफर्म कर दिया, क्योंकि ये सब लोग इसराइल को प्रमोट कर रहे हैं पर मैं नहीं, तो इसलिए नो फैन। Let's see. थी और इसी एड में ऐश्वर्या राय का भी डेब्यू हुआ था, पर बाद में पेप्सी की राइवल कंपनी कोका कोला ने पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर को ही अपनी तरफ कर लिया, और आमिर भी कोका कोला के रंग में इतना रंग गया कि खुद को ऐसे अलग अलग खुलिए में ढाल लिया, यहाँ तक कि उन्होंने एक फीमेल कैरेक्टर करने से भी इनकार नहीं किया, और तब बॉलीवुड के हीरोज को एड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 करोड़ दिए जाते थे, पर जब आमिर की 3 इडियट हिट हुई भाई ज्यादा से ज्यादा 15 करोड़, I can't believe guys, but ये सब बहुत मेहनत के बाद है यार। तो एक यूए की एड के लिए उन्हें 35 करोड़ दिए गए, और उनकी 3 इडियट्स आज भी लोगों को याद है, तभी कुछ दिनों पहले उन्होंने उसी मूवी के एक्टर के साथ मिलकर एक क्रिकेट वाली एड की थी। नंबर 7, सलमान खान। जिसे याद नहीं उसे फैक्ट भाई बता दे कि पहले कैंपा कोला अकेला था जो इंडियंस की प्यास बुझाता था, और जब कैंपा कोला ने ये एड लॉन्च की तो व्हाइट बनियान में इस बच्चे कैंपा इज माय फेवरेट, आप इसे पहचान सकते हो। अरे ये है आयशा श्रॉफ यानी टाइगर श्रॉफ की मम्मी, मतलब सलमान भाई के साथ एड करने वाली एक्ट्रेस के बच्चे इतने बड़े हो गए कि शादी कर सके, पर भाई अब भी कुंवारे हैं। खैर सलमान की पहली एंडोर्समेंट के बाद सलमान भाई ने रोस्ट कर दिया। इन सक्सेसफुल एड्स के चलते उन्हें पहली मूवी मिली, पर कामयाबी सलमान को दूसरी मूवी मैंने प्यार किया से मिली, जो उस वक्त की सबसे बड़ी फिल्म थी, और एक के बाद एक हिट मूवी के चलते सलमान बॉलीवुड में बड़ा नाम बन गया है। इसी आज शाम होने आई तो आप लोग चाहते हो क्या मैं सिंगिंग वीडियो लाऊं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ, तो चलिए वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। ये भाई किसी जान बन गए। नंबर 8, कैटरीना कैफ। भाई लोग आज हम बात करेंगे कैटरीना टर्कोटो की, मतलब है कैटरीना कैफ की। यस, बूम की शूटिंग के वक्त आयशा श्रॉफ की सलाह के मुताबिक उन्होंने अपना सरनेम चेंज करने का फैसला लिया था, लेकिन वो अपना नाम चेंज करें उससे पहले ही उनका करियर शुरू हो चुका था। मॉडलिंग के दौरान ही उन्हें एक ऐड करने का मौका मिला, रोल छोटा भले हो लेकिन उन्हें इसी से काम मिलना शुरू हो गया। इस ऐड को देखने के बाद लोग
दंग रह गए थे। बारबी डॉल जैसी दिखने वाली कटरीना पहली ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्री बनी जिस पर बारबी डॉल बनी। मगर कहते ना, जितना आप सफल बनोगे लोग आपको नीचे खींचेंगे। कटरीना की जोमेटो वाली एड के साथ वही हुआ। वो एक कंट्रोवर्सी बन गई क्योंकि लोगों को लगा कि जोमेटो स्टार्स पे कुछ ज्यादा खर्चा कर रहा है और जोमेटो ने इसके बदले लोगों को खुद सफाई भी दी। हालांकि इसमें गलती कटरीना की नहीं थी, पर बेचारी बिना मतलब फंस गई। नंबर 9, प्रियंका चोपड़ा। मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा आज सच में दुनिया पर राज कर रही हैं। टीवी हो या हॉलीवुड हो, प्रियंका ने हर चीज के लिए कड़ी मेहनत की है क्योंकि ये तो प्रियंका चोपड़ा के लिए चोपड़ा जो भी हैं यार वो, तो उनकी एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग तो वो करती हैं और वो बहुत बढ़िया इंसान भी हैं, तो वो बहुत बढ़िया है अपनी जगह। तो मैं उनको 10 में से अगर मुझे रेट करने हो तो 10 में से मैं उन्हें 10 नंबर देना चाहूंगी। शी इज वेरी स्वीट। एड मिस वर्ल्ड की पहली एंट्री थी, पर इस एक एड से उनकी किस्मत नहीं बदली। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले बीसी ने एड्स में काम करना चूज किया था। उसी के चलते लोग उन्हें जानने लगे थे। शायद इसी वजह से वो आज एक एड के 10 करोड़ भी चार्ज कर सकती हैं। लेकिन जब ये सारी चीजें नहीं थी तब उन्हें बॉलीवुड से पहले टॉलीवुड ने मूवी का ऑफर दिया था। तो भाई लोग देखा, अब आप में से कईयों ने इन मशहूर स्टार्स की नामशहूर एड्स को नहीं देखा था, राइट? इसमें से कौन सी एड देखकर आज आप सबसे ज्यादा शौक हुए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे 90s के कुछ पॉपुलर एड्स हैं जो आपको, मैं किसकी एड देख के शौक हुई, अब मुझे ये कंफ्यूजन है। तो मैं हाँ, जो हार्दिक है, ऋतिक रोशन है, जो उनकी एड जो बर्गर किंग ने धोखे से करी भाई, वो करवाई एड, उससे मैं शॉक हुई यार, ऐसा भी हो सकता है। सो या गाइस, दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। थैंक फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर, एंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो या गाइस, बाय 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 बाय।